तो जी, ये है मेरी दोस्त सीमा, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये जो ऐसी बातें करती है ना, आपका हंसते हंसते आप गिर जाओगे। मैं ना अभी सबको बता रही थी, मैंने कहा अगर कॉलेज में हम दोनों साथ में नहीं होते फिर कॉलेज कितना बोरिंग होता। सीमा एक्चुअली है ना, नहीं तू क्यों बोल रही है, तू नहीं थी उसमें। पीपल वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, मैं तैयार हूँ एकदम, और मुझे आज अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैं कल नहीं मिल पाई थी, उसने अपनी फ्लाइट थोड़ी सी पोस्टपोन की है, मतलब जो मॉर्निंग की फ्लाइट थी अभी उसने इवनिंग में की है, सो दैट बीच का टाइम में मैं उसको मिल सकूँ। तो वो मीनवाइल चेकआउट करेगी होटल से, तो हम लोग एक दो फ्रेंड्स मिलेंगे साथ में और कॉफी वॉफी पियेंगे, बातें बातें करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को मिलवाऊंगी। मेरी कॉलेज की फ्रेंड है वो, और मेरी कॉलेज की ना बहुत जबरदस्त फ्रेंड थी वो। मतलब हम लोगों ने एक दूसरे के साथ ऐसा टाइम स्पेंड किया ना, आई थिंक अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होती कॉलेज टाइम में, तो मेरा कॉलेज टाइम इतना बढ़िया निकलता नहीं। इतना फालतू बोलती है और मैं भी वही करती हूँ। तो आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ, बड़ी पागल है। आज अपने बेटे के साथ आई हुई है, आई थिंक पता नहीं कैसे करेंगे मैनेज, लेकिन हम लोग मिलेंगे जरूर। तैयार हो गई हूँ मैं। ये रहे मेरे बच्चे, 2, 3 एंड 4th वहाँ पे है। 4th बहुत बुरी तरह से खेला, वो कह रहे मैं छोड़ूंगी नहीं, अमिता को तो छोड़ती ही नहीं है। मतलब मैंने देखा था कि जब अमिता नहीं थी ना, तो ये मुझे कहती थी, शाम को हंगामा मचाती थी, आपने देखा ही है, शाम को ले जाना पड़ता था। अब अमिता को कहती है चल मॉर्निंग भी, आफ्टरनून थोड़ा सा, बिफोर इवनिंग और फिर इवनिंग, तो नीचे जाना ही है। और मैं आपको बता देती हूँ, कॉफी मैंने सुबह की पी नहीं है। अविनाश कह रहा है तुम पियोगी भी नहीं, मैं ब्रेकफास्ट करूंगा और तुम कॉफी वहां पे पी लेगा। तो अभी उसके साथ ब्रेकफास्ट करूंगी और उसके बाद मैं आगे निकलूंगी। अरे मामा क्या बोल रहे मम्मा को कि धुप्पी धुप्पी में आ जाओ, धुप्पी धुप्पी सेक लो मेरे साथ, ऐसे कह रहे हो। तो एक बार अविनाश आ जाता है यहाँ के, तो मिलते हैं आपको दोबारा। सुबह से पहला पानी का ग्लास है ये, आप पियेंगे पानी? पानी भी नहीं, भूल गया। पंखे की तो जरूरत नहीं है ना बच्चों को, पंखे की जरूरत नहीं। बिल्कुल है, आपको नहीं है, जिसको मतलब उनको भी नहीं, आपको ठंड लगती है, उनको नहीं लगती भाई, उनकी मोटी मोटी खाल है, मोटे मोटे बाल है। अमिता तू बोलेगी इनको पंखा चाहिए, खत्म बोला ना। ब्रेकफास्ट हो गया, अविनाश यहाँ से जा रहा है घर और मैं निकल रही हूँ अपनी फ्रेंड को पिकअप करने के लिए। मैंने अपनी फ्रेंड को पिकअप कर लिया, गीतू, आप इसको पहले मेरे ब्लॉग में देख चुके हो, और ये बता रही है कि कहती है मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है, क्या करूं। मैंने कहा यार डाइट वाइट कर, कुछ कर यार, यार कैसे करूं, मैंने गुड़ का काम शुरू किया है। क्या करी है? यार मैंने इतना अच्छा गुड़ मैं बनाती हूँ, ड्राई फ्रूट वाला गुड़, पता है मैं अभी तक विद इन 15 डेज 25 kg सेल कर चुकी हूँ, और 25 kg बढ़ा भी चुकी हूँ। ये नहीं बता रही, नहीं मुझे खाया कितना है, सिर्फ टेस्ट कर करके देखना पड़ता है ना, सही बना नहीं बना, किसी को दे रही हूँ। सर्दी है दिल्ली में ना, 2 डिग्री 4 डिग्री, गाजर के हलवे खा रहे होंगे लोग, दबा के आए, सर्दियों में तो डिफिकल्ट भी होता है। चूरी मैं संभालने के लिए भी लाई हूं, मैं तेरे मार दूंगी, चूरी लाई है मेरे लिए, मैं पता कितना ड्राई फ्रूट डाला उसमें, यार मैं चूरी खाऊंगी, मैं कम कर, मेरी चूरियां निकल जानी साइड साइड, ये सब ठीक हो जाएगा मेरे लिए ना, दिल्ली से जरा चूरी खोल। अमिता तो ये पूरा डब्बा खा जाएगी ना, तो उसको कुछ नहीं होना। अच्छा ये ड्राई फ्रूट की चूरी है, और इसमें देखो मैंने टेस्ट के लिए, मैं तेरे को टेस्ट तो जरूर कराऊंगी गुड़, मैं मार दूंगी। नहीं, सिर्फ इतना सा, तू ना कर रहा मेरे को। अच्छा मैं बहुत थोड़ा दे मेरे को, मैं समझ रही हूँ तेरा प्यार मुझ पे घातक है, बारी है तू सा है, और गुड़ पता है डाइजेस्टिव होता है। बकवास ना कर, चल खा ले जो करके, अच्छी चीज खाती नहीं है तभी तेरा ये हाल हो गया, पता है यही दोस्त होते हैं दोस्तों। यार अभी तो तूने वोला खाया नहीं जिसमें नारियल आता है मुंह में, मजा आ जाता है, सुपर टेस्टी लगा दिया ना। काओ मिल्क, काओ घी में बनाया, वही काओ घी दिख रहा है, काओ घी दिख भी रहा है मेरे तो ना, खाया ना मेरे कहीं और लगे ना लगे, सीधा पुट्ठों पे जाके लगता है। चल सीमा को उठाते हैं, बस मैं अगली बारी को उठा रही हूँ, जो बिल्कुल ही पगलैट है उसको हम लोग उठा रहे हैं। हाँ, संभावना 2.0 है वो, मुझसे ऊपर है भाई, कहीं आगे वो। मैं शरीफ बच्ची इन दोनों के बीच, हाँ इसको हमने कॉलेज में बहुत पागल बनाया है, इसको बहुत बुली किया हमने। तो जी ये रही मेरी दोस्त, वेट कर रही है हमारा, और आप इससे मिलोगे ना आप कहोगे यार ये भी कैरेक्टर होते हैं दुनिया में। अच्छा बड़े बूट सूट पहन के आई है। बाप रे, ये शादी में ही मिले थे हम लोग सीधा, मेरे को लगता है उसके बाद नहीं मिले। हाँ भाई बूट वूट पहन के आई है। मैं दिल्ली से आई हूँ ना। अच्छा तुम्हें दिखाना है? ऑफ कोर्स आ जा, एज यूजुअल गीतू को बुली करें, इनको पीछे कर दे गाड़ी में। तो जी ये है मेरी दोस्त सीमा, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये पकड़ जरा। चलो भाई Let's play college. एक बार उतर जाए। मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा पागलपन देखा है ना, तो ये मुझसे 200 गुना ऊपर है। नो, absolutely not, संभावना absolutely not. मैं 3 गुना ऊपर।
हाँ यार सही बात है, ये जो ऐसी बातें करती है ना आपका हंसते हंसते आप गिर जाओगे। मैं ना अभी सबको बता रही थी, मैंने कहा अगर कॉलेज में हम दोनों साथ में नहीं होते फिर कॉलेज कितना बोरिंग होता। सीमा है ना, नहीं तू क्यों बोल रही है, तू नहीं थी उसमें, तू हाँ क्यों कर रही है, तू तो मेरी दुश्मन थी, ये मेरी दुश्मन थी बता कॉलेज में। ये ना सीमा को बोलती थी, गीतू सीमा को बोलती थी यार अगर तू ना संभावना के साथ बैठेगी ना तो फिर मैं तेरे साथ नहीं रह रही, बोलती थी कि नहीं, सच बता, अब मुंह खोल अपना। क्योंकि ना सीमा मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, एक ही फ्रेंड थी, और मुझे ऐसा लगता था संभावना उसे मुझसे छीन रही है, इसलिए मैंने क्या छीना, वो छिनी छिनाई थी वो छिनी छिनाई थी, वो ऑलरेडी मेरे साथ ही, तेरे को नहीं पता था। हाँ, वो बोलती थी, वो तेरे को बताती नहीं थी लेकिन हाँ। मेरे को बोलती थी कि यार मैं बोर हो रही हूँ। अब तो तू दिल्ली जाके पिटेगी। वो पता क्या बोलती थी, सीमा बोलती थी कि यार बताना मत गीतू को, लेकिन यार मैं बहुत वहाँ बैठ के बोर हो रही हूँ। मैं एक बार जरा पार्क कर दूं गाड़ी, मैं फिर आपसे मिलती हूँ। खर्चा किया तो मैं उसको दिखाऊंगी भी, खर्चा हुआ है ज्यादा नहीं कराया, ओनली वन कॉफी। मतलब आप लोग हमारी बातों से इतना ज्यादा समझ नहीं पाओगे कि हम लोगों ने क्या टाइम बिताया है। हम लोग शादी के, मतलब मेरी शादी के 7 साल के बाद मिल रहे हैं, तो हाँ ये जितनी शरीर बन रही है ये बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन तुम अपनी कुछ कहानियां बताना चाहती है हमारे कॉलेज की? नहीं नहीं, इसका प्रॉब्लम वैसे तो शी वॉज वेरी गुड, तो सगाई इसकी थी, लेकिन डेफिनेटली जैसे ही मैंने एंट्री करी तो सारी मीडिया मेरे पास आ गई। ऑनेस्टली आस्क करते थे, आस्क कि भाई यू नो हर, आई सेड शी इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, एंड चाइल्डहुड का सा आगे कॉलेज की फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, शी इज माय कॉलेज फ्रेंड, हां शी इज माय कॉलेज, मैं भी थोड़ा फ्लो में बैठ गई थी ना, तो आई सेड शी इज माय कॉलेज फ्रेंड, देन आफ्टर दैट एंड यू नो व्हाट, शी वाज सिटिंग लाइक दिस एंड शी वाज लुकिंग एट मी लाइक दिस, तेरी सगाई मेरी है कि तेरी? इतना तैयार होके कौन आता है? मैं जब ये एंटर करी ना तो मेरे हाथों में ना मेहंदी लग रही थी, और मैंने देखा, मैंने कहा सीमा आई है, फिर मैंने देखा कि सीमा ने पहना क्या हुआ है यार। एक्चुअली इसने जैसे मीडिया को देखा ना ये चेंज हो गई तो सारी अटेंशन जी गई थी, इतनी लिपस्टिक लगाई हुई थी आपको बता नहीं सकती, इसने मेरी शादी में, मेरे एंगेजमेंट में इतना गंदा मेकअप किया था, बता दो आज तक इतना गंदा मेकअप था ना, इधर लाल इधर लाल, इधर भी लाल लाल लाल, इसने एक्सट्रीम मेकअप किया हुआ था। नो नो, आई वुड लाइक टू शेयर वन फोटोग्राफ एंड you are going to authenticate who was looking best in the bed. I have that photograph डालेंगे, I do have that. But इसने सबसे अच्छी एक चीज की थी, इसके बाद एक branded bag था, और मैंने अपनी शादी में बोला यार कि बड़ा बैग बड़ा अच्छा लेके आई है, मेरी बहन तू ले ले, मैंने कहा हाँ बहन तू दे दे, क्या था वो लोलो पोचो फुलेरा के बैग थे, फुलेरा नहीं क्या था वो, कोई तो बैग था अभी बताते हैं, फुल्लो बैग, पता नहीं क्या था, ब्रांडेड था बैग, जैसे बोला कि बहन तू ले ले, बहन ने ले लिया वो बैग, बहन के पास ही आज तक वो बैग। हमारी इतनी कॉलेज की इतनी यादें हैं ना साथ में, और हम लोगों ने ऐसी हरकतें करी हैं, मतलब आई डोंट थिंक कि कोई भी दिन ऐसा होता होगा, हम लोग वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि अगला दिन कब आएगा कॉलेज का, है ना? नहीं ऑफ कोर्स वी हैड अ एक्चुअली ग्रेट टाइम एंड पोस्ट कॉलेज, हिंदी का है तो हिंदी डेफिनेटली, इंग्लिश अच्छी है तो हिंदी में बात कर, बता हमारा पता लग गया तेरी इंग्लिश अच्छी है। हमारा बहुत ही बहुत बहुत गाला टाइम था, एंड आफ्टर दैट इनफैक्टली कैटेगोरिकली आफ्टर कॉलेज, क्या बोलिए कैटेगोरिकली, आई मस्ट से शी वाज अ स्टार इन द कॉलेज, ये हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी, टॉक अबाउट द डांस, यू टॉक अबाउट द एनसीसी कैंप, एंड जो हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना था वो हमारा एनसीसी कैंप में बना था, व्हेन आपका सलवार फट गया था, आप गिर गए थे, मेरी सलवार फट गई थी, इतना तमीज से बात करने की जरूरत है, आराम से बात कर। हाँ तो हम लोग ये मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, देयर वाज एन ऑल माउंटेन एंड ऑल, लोग घूम रहे थे बहुत अच्छे से, हम लोग बातें कर रहे थे बहुत सारी, आई डोंट नो सी क्या हुआ करे करे, तो ये मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, ये डराते डराते मुझे भाग रही थी और मैं भी भाग रही थी, एक्चुअली मैं सच में डर गई थी, द वे ब्यूटीफुल स्माइल शी हैज, मैं लिटरली डर गई थी, मैं भाग रही थी तो देखा पीछे किसी ने भागना बंद कर दिया, तो देखा कि नीचे गिरी पड़ी, मेरा सलवार कमीज फट गया था, नहीं सलवार का घुटना पूरा निकल गया था। एक्चुअली कॉलेज का पहला या दूसरा दिन होगा तो ऑफकोर्स देयर वाज लॉट ऑफ रैगिंग गोइंग ऑन, काफी रैगिंग हो रही थी, तो मैंने देखा एक लड़की सुपरबली डांस कर रही है, वो पीछे उल्टी लेटी हुई है, आई सी कौन सा स्टेप, सड़क के बीचों बीच था वो, सड़क के बीचों बीच, एंड वो गाड़ी में म्यूजिक चला रहा था, चोली के पीछे तेरी रैगिंग हो रही, एंड आई गॉट सो इम्प्रेस, शी वाज डांसिंग सो वेल ऑन दी रोड, हां कॉलेज की जो बेसिक मेन रोड होती है, अब दैट टाइम इट वाज टू एम्प्टी, उस रोड पे ये उल्टी ऐसे लेटी हुई है, तो वेरिएंट की बहुत अच्छा डांस कर, फिर नो प्रॉब्लम, फिर थोड़ा हाई लो हुआ एंड ऑल एंड ऑल, फिर हमारा एनसीसी कैंप हो, सो वेरिएंट शी वाज रिप्रेजेंटिंग एंटायर ग्रुप, पूरा लीड करती थी, दिल्ली रिप्रेजेंट किया था, सॉरी आरडी कैंप, आरडी कैंप, शी वाज यू नो लीडिंग द एंटायर ग्रुप,
और देन आफ्टर दैट कॉलेज का हमारा डांस ग्रुप का पूरा शी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंटायर टीम सब उन्होंने क्या था नहीं दो ट्रॉफी लाई थी कॉलेज बहुत ट्रॉफी नहीं दो या तीन आई थिंक दो ट्रॉफी था आई डू रिमेंबर इवन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं भी थोड़ा ज्वाइन करूँ मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ नहीं डांस भी मैं पार्टी डांस बहुत अच्छा करती हूँ बट नॉट लाइक हर तो शी वॉज लाइक डेफिनेटली बट आई मस्ट अप्रिशिएट शी वॉज ऑल राउंडर इन द कॉलेज आई ऑलवेज टॉक टू माई फैमिली ऑल्सो हम लोग फ्रेंड भी आपस में बात करते हैं शी वॉज ऑलवेज ऑल मेरा ब्लॉग बन गया दोस्तों मैं आपको बाद में मिलती हूँ जितनी तारीफ है मुझे अपने ब्लॉग में मेरे बारे में डालनी थी मैंने डाल ली है बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद अभद्र चीजें आप लोगों को बता नहीं पाएंगे हम लोग और ये थोड़ी सी फॉर्मल हुई हुई है इंग्लिश में बातें कर रही है पता नहीं क्यों क्या कर रही है जैसे ही फोन बंद करती हूँ ना जैसे कैमरा बंद होगा ना तो गाली गलौज पे आ जाती है गंदी गंदी गालियां दे रही है लेकिन जैसे ही फोन ऑन करती हूँ ना तो आई को कैटेगोरिकली एंड कॉलेज का ये इंग्लिश में बातें कर रही है आई थिंक ये खुल नहीं पा रही है अभी आप लोगों के सामने थोड़ी डरी हुई है डर का जीवन जी रही है शी इज नॉट यूज्ड टू ब्लॉगिंग ना आई एम नॉट अ ब्लॉगर एट ऑल इवन आई एम नॉट अ फेसबुक पर्सन आई एम नॉट अ इंस्टा पर्सन आप इसको कहीं नहीं मिलोगे आप इसको कहीं नहीं ढूंढ पाओगे ये है ये इंस्टाग्राम पे भी काफी एक्टिव है दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मेरी दोस्त को लो जी इसका इंस्टा आईडी देख लो कहाँ है और इसको फॉलो कर लो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से और सीमा को वापस ड्रॉप करेंगे गीतू को वापस ड्रॉप करूंगी उसके बाद मैं निकल जाऊंगी घर मेरे पति ने मेरे लिए क्या तैयारी की हुई है ये मुझे पता नहीं है घर जाके मालूम पड़ेगा हो सकता है आज हम लोग मूवी के लिए भी जा पाए फाइटर मूवी हुई है ना मुझे क्या पता है मैं कह रही हूँ देखने जाएंगे तो कह रही है कैसी है अरे रिव्यू में बोल रहा हूँ वो प्रोमोस मुझे क्या पता प्रोमोस मैंने कुछ नहीं देखा भैया मैं नहीं देखती मैं ये सब नहीं देखती जितना दिखावा करना था एक दूसरे को हम दोनों ने इतने सालों का दिखावा एक दूसरे को कर दिया है बाकी सीमा एकदम सिंपल है कह रही है मैं बहुत सिंपल रहती हूँ यार सिंपल हूँ मैं 2 किलो मेकअप पोत के करिए सिंपल रहती हूँ मैं बहुत सिंपल हूँ एंड यू नो मैंने कुछ नहीं दिखाया सामानों को बट आई एम कैरिंग आई डिड नॉट शो एनीथिंग अपना दा मिलानो का बैग दिखा दिया अपना चश्मा दिखा दिया रे बैन का एंड माय गिफ्टेड फोन आल्सो बाकी बिल्कुल सिंपल है सीमा बाकी कुछ नहीं दिखावा तो है ही नहीं इसकी लाइफ में नॉर्मल स्वीट तो मैंने बताया नहीं स्वीट में रह रही है क्या तो हम तो अंदर तो बुलाए नहीं हमें प्लीज कम एंड सी तू मेरे ख्याल से बेसिक कैटेगरी में रह रही है गीतू कौन बोलेगा महाराजा स्वीट है इसका Yes. चलो अब तो निकल गया और चेकआउट हो चुका आपका नहीं, तो 2 बज गए बच्चे रूम में ही है बच्चों को नीचे बुला लेना ये जा रही है सीमा बाय कर दे यार चल मिलते हैं जल्दी तो जी आप देख सकते हो कि कोको ने गुस्से में वही चीज फाड़ी है जिससे इसकी पिटाई हो जाती है अमिता अरे मामा ये भूला कुत्ता कैसा है इसने अमिता सब कुछ फाड़ दिया देख हाँ इसे दिमाग लगा के सारी चीजें फाड़ दी है लेके अपने खिलाफ जो हथियार था पिटा दिया हाँ देखो ना देखो क्या करके आ रहा है देखो चुपके चुपके किया है चुपके चुपके किया है ये जैसे ही हमारे इधर उधर ध्यान होता है ना तो फटाफट पेपर फाड़ देता है अरे भैया बाबा बीते थोला थे ना आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा ना अमिता तेरा हथियार फाड़ दिया उसने देख फाड़ रहा है दे देना उसको दे दे अरे दे दिला ये ले मिले कोको ये ले कोको ये हथियार तेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ था ना गुस्से में फाड़ रहा है वही हथियार बहुत पिटाऊ मैं इससे बहुत पिटा है क्या तू बहुत पिटा है क्या हमने तो आपको सिर्फ डराया था पीटा तो नहीं था बहुत गुस्से में है भाई बहुत गुस्से में है वन मोर बाइट ऑफ दिस हथियार कोको कम ऑन कैन डू इट फाड़ दे सारे फाड़। तो जी घर में घमासान करके सारे पेपर वेपर फाड़ के अपना हथियार इसने मिटा दिया है और अब इसको लेके जा रहे हैं हम नीचे चलो कैंडा आपको भी चलना है आओ आ जाओ तेरी उतारना पड़ेगा मैं नहीं कूदूंगी सब ऐसी लचीली कमर लेके पैदा हो गए ना इस घर में कोई कूदना नहीं चाह रहा है साले सबके सवाल से आ मेरे बेटे इस घर के बाहर ना हमारी नेम प्लेट हटा के लिख दो प्रोक्रास्टिनेटर है ना कोई उतरना नहीं चाहता कोई चढ़ना नहीं चाहता बैठे रहते घातक ही कुत्ते हैं यहाँ सामने लिख दो ना आलसी लोगों का घर यहाँ बाहर लिख दो यहाँ आलसी रहते हैं कृपया सामान बाहर ही छोड़ दें पैसे आपके पास गूगल पे से पहुंच जाएंगे इसको कुछ दिन के लिए क्रेच में छोड़ देगा खाना वाना ले आएंगे जी आपको कुछ दिखाना है मिला छूना बाबा मम्मा के पास छुपके सो रहा था ये किसी को बताना नहीं चाहता था कि मैं यहाँ सोया हुआ हूँ क्योंकि मम्मी अभी निकाल के बाहर फेंक देगी रजाई से तो ना मेरे को बता नहीं रहा है वो ऐसे ऐसे लेटा हुआ था अभी जैसे मतलब यहाँ मैं हूँ नहीं यहाँ कुछ भी नहीं है आपको गलत फहमी हुई है
ये बेबी कैसा चलाक है। और वो गया मंचू पापा के पास, पूंछ में से वीडियो क्यों ले रही है? हाँ मैं तुम्हारी आ रही है ना वीडियो में, इसकी पूंछ आ रही है। ये दोस्तों अच्छी बात यह है कि अगली 3 ट्रिप की प्लानिंग होती है। ओ 1 जनवरी में, 1 फरवरी में और 1 मार्च। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ कि 3 ट्रिप अपने प्लान हो चुके हैं। आगे के बताएंगे नहीं कहाँ कहाँ के, लेकिन आपको जल्दी पता चलेंगे। ये क्या 2 नहीं 3 मतलब यो यो हाँ यो ये होता है। अच्छा ओ ये यो होता है। अच्छा अच्छा यो ओके दोस्तों विद यो यो हनी सिंह मिलते हैं थानू कल दे व्लॉग च। तद तक तुसी कर लियो लाइक शेयर कमेंट ते सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। ए कुत्ते नु परे मारो, कुत्ता छुप के सोया होया सी, कमीन दा बच्चा। एथे आ कोके कोके एथे आ।